आगे बढ़ते बढ़ते हम लोग चैप्टर नंबर 5 तक पहुंच चुके हैं, कॉग्निटिव साइकोलॉजी। वेलकम। आज हम लोग बात करेंगे इंटेलिजेंस के बारे में। देयर आर डिफरेंट डिफरेंट पीपल हैव गिवन द डेफिनेशन ऑफ इंटेलिजेंस एंड वी विल टॉक अबाउट इट वन बाय वन। About Spearman, then Thorndike, then Thompson, then Thurston. Eventually, we'll move on to the PASS theory. So let us go one by one. So what is intelligence? The formula is of IQ, intelligence meaning ability to produce something, and quotient meaning capacity. So how much knowledge you have, how much can you deliver, at what rate, that is called IQ, intelligence quotient. The formula for IQ is mental age by chronicle age into 100. Chronicle age मतलब आपकी जन्म जब से हुई है अभी तक कितना टाइम हुआ है, मतलब आपका बर्थ एज, कितने बर्थडे मनाया आपने, इन शॉर्ट। फॉर एग्जाम्पल यू आर 30 ईयर्स ओल्ड, आपके मेंटल जो एज है यू आर वेरी मेच्योर्ड, यू टॉक लाइक 60। लेट से आपके मेंटल एज है 60, क्रॉनिकल एज है 30, मतलब जो आपका एज है अभी जब से जन्म हुआ तब से लेकर अभी तक जितना टाइम हुआ, दैट इज योर क्रॉनिकल एज, बट यू टॉक लाइक 60 ईयर ओल्ड। सो 60 बाई 30 इंटू 100 इज 200, दैट्स योर आईक्यू। बट वही अगर कोई मेंटली रिटार्डेड है, somebody is 30 years old क्रॉनिकली, मतलब जितना बर्थ हुआ है, जब से लेके बर्थ हुआ तब से लेके अभी तक जितना टाइम हुआ है, that is 30 years old, and वो he talks like 15 year old, so 15 by 30 into 100, that is 50, 50 is the IQ। ना अभी देखते हैं कि स्पीयरमैन ने क्या बोला है। तो स्पीयरमैन ने खाली बोला है कि इफ यू वॉन्ट टू बिकम इंटेलिजेंट आपके पास दो क्वालिटीज होनी चाहिए, एक है जेनरिक, दूसरा है स्पेसिफिक। जनरली फॉर एन एग्जाम्पल लोगों से इंटरेक्ट करना, लोगों से बातें करना, लोगों से सोशल होना, ये हमारे जनरल एक्टिविटीज है। स्पेसिफिक क्या है? सम कैन बी मैकेनिकली वेरी एक्सपर्ट, सम कैन बी साइकोलॉजिकली वेरी एक्सपर्ट, सम कैन बी मेडिसिन वाइज वेरी एक्सपर्ट, सम कैन बी नंबर्स वाइज वेरी एक्सपर्ट, सम कैन बी डीलिंग विद पीपल वाइज वेरी एक्सपर्ट, लाइक वाइज। कुछ जेनरिक क्वालिटी, कुछ स्पेसिफिक क्वालिटी अगर आप में है, सो देन एज पर स्पीयरमैन जो आपके स्टैट्स में है, स्पीयरमैन जो फॉर्मूला है नॉन पैरामेट्रिक, वही स्पीयरमैन ने ये थ्योरी दी हुई है कि अगर आपके पास जेनरिक एंड स्पेसिफिक क्वालिटीज है तो आप डेफिनेटली इंटेलिजेंट पर्सन है। लेट अस मूव ऑन टू थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक क्या बोलते हैं? अटेंशन, रिटेंशन, मेमोरी, रिकॉग्निशन, नॉलेज, ऑर्गेनाइजिंग कैपेसिटी, इंडक्टिव एंड डिडक्टिव रीजनिंग। इंडक्टिव मतलब जोड़ना, डिडक्टिव मतलब कम हो जाना। रीजनिंग जैसे डी से जितने भी आपके वर्ड्स है, डिलीशन, डिविशन, डिस्क्रिमिनेशन, ये एक बड़े से छोटे होते हैं। इट इज जेनरिक टू स्पेसिफिक। इंडक्टिव क्या होता है? छोटे से बड़ा। इट इज इंटीग्रेशन, सबका मिला, एक साथ मिला के। ओके, ये सारी चीज अगर आपके अंदर है तो ही एज पर थॉर्नडाइक आपको इंटेलेक्चुअल बोला जा सकता है। लेट अस मूव ऑन टू थॉम्सन। एज पर थॉम्सन इफ यू टू बिकम इंटेलेक्चुअल आपके पास तीन चीजें होनी चाहिए जो स्पीयरमैन के थे, याद है, जेनरिक एंड स्पेसिफिक, राइट। इसमें एक और चीज ऐड हो गया, व्हिच इज कॉल्ड बड़ा जी, व्हिच इज कॉल्ड ग्रुप। सो नॉट ओनली यू हैव टू हैव जेनरिक एंड स्पेसिफिक एबिलिटीज, एट द सेम टाइम यू हैव टू परफॉर्म रियली वेल इन ग्रुप। यू हैव टू बी अ वेरी गुड टीम प्लेयर, यू हैव टू बी अ वेरी गुड लीडर। यू मस्ट क्रिएट लीडर्स, नॉट फॉलोअर्स। आपके एक साथ काम भी करना है एक साथ, तो जाके एज पर थॉम्सन हमको वो आपको बोलेंगे कि यू आर इंटेलेक्चुअल। सो स्मॉल जी, दैट इज जेनरिक, कैपिटल जी फॉर ग्रुप एक्टिविटीज, एंड एस फॉर स्पेसिफिक, लाइक मैकेनिकल, लाइक नंबर्स, एटसेट्रा। लेट अस मूव ऑन टू थर्स्टोन टाइप ऑफ, थर्स्टोन वे ऑफ इंटेलिजेंस। सो इसमें मैं आपके फॉर्मूला देने वाला हूं, वेरी इजी फॉर्मूला। बताइए एम के बाद क्या है? एम यू वी डब्ल्यू। सो एम से लेकर डब्ल्यू तक आपको आता है, राइट। तो देखिए इसमें ही सारा चीज हो जाएगा। सो नंबर वन इज एम, एम फॉर मेमोरी, ओके, एन फॉर न्यूमेरिकल, एम एन ओ, ओ में कुछ नहीं है। पी फॉर परसेप्चुअल एबिलिटी, मतलब एबिलिटी टू ग्रैस्प विजुअल थिंग्स। एम हो गया, एन हो गया, पी हो गया, क्यू नहीं है,
आर फॉर रीजनिंग, आपकी रीजनिंग एबिलिटी कितनी अच्छी है, लॉजिकल एबिलिटी। एस, एस फॉर स्पेशियल, आर के बाद एस, एस फॉर स्पेशियल, एस पी ए टी आई एल, स्पेस, जो स्पेस होता है, ये रूम कितना स्पेस है, 3D, 2D, अंडरस्टैंडिंग अबाउट स्पेस, दैट इज स्पेशियल एबिलिटी। एस टी, टी नहीं है, यू, यू भी नहीं है, वर्बल मीनिंग, आप बोलने में कितना अच्छे हैं, आप कितने अच्छी तरीके से अपनी बात रखते हैं। एंड डब्ल्यू इज फॉर वर्ड्स, आपके वोकैब्स कितने अच्छे हैं, आप एक ही चीज को बोलने के लिए कितने डिफरेंट डिफरेंट वोकैबुलरी आप यूज करके लोगों को समझा सकते हैं। सो क्या है, एम फॉर मेमोरी, एन फॉर न्यूमेरिकल एबिलिटी, पी फॉर परसेप्चुअल एबिलिटी, एबिलिटी टू ग्रैस्प योर विजुअल थिंग्स, पी के बाद डायरेक्टली आता है आर पे, रीजनिंग, द लॉजिकल रीजनिंग एबिलिटी, एस फॉर स्पेशल, स्पेस, टी नहीं है, यू नहीं है, वी फॉर वर्बल, मीन्स आप अपनी बातें कैसे अच्छी तरीके से रखते हैं, हाउ डू यू कॉम्प्रिहेंड थिंग्स, हाउ डू यू से इट, हाउ ब्यूटिफुली यू से इट, एंड डब्ल्यू फॉर वर्ड फ्लुएंसी, मतलब आपके वर्ड्स वोकैबुलरी कितने अच्छे हैं। ये सारी चीजों में अगर आपकी मास्टरी है, डेफिनेटली एज पर थर्स्टोन यू आर इंटेलेक्चुअल। थैंक यू सो मच, सी इन द नेक्स्ट वीडियो व्हिच इज कॉल्ड पास, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जेपी दास जी ने इनको इन्वेंट किया हुआ है, एंड वील डिस्कस अबाउट पास इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच, ये वीडियो को हर जगह पर फैलाइए, आपके दोस्तों में, आपके कॉग्निटिव जो देने वाले हैं, जो दे रहे हैं ऑलरेडी, उनको बहुत फायदा होगा, काफी डिटेलिंग में है, इसके लिए आप अच्छे से बुक्स पढ़िए, अच्छे से पढ़ाई करिए, और हमारे रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी आप ले सकते हैं। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।